मेरा 2001 में एक्सीडेंट हो गया। मेरे घर पे ही मशीन है, उसी से मेरे एक्सीडेंट में मेरे दोनों हाथ चले गए। मेरी माँ का सपना था कि मैं भी कुछ करूँ। उनको लगता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ी आदमी या बहुत अच्छे जगह पे जाऊँगी, अच्छे पोस्ट पे रहूँगी। पता नहीं था कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करने वाली हूँ, किस तरीके से लाइफ मेरी आगे जाएगी, या मैं कुछ करूंगी भी या पढ़ूंगी कि क्या करूंगी। लेकिन माँ के सपने को हकीकत में बदला है रानी ने। यूपी के काशी में रहने वाली रानी के दोनों हाथ पंपिंग सेट मशीन में फंसकर कट गए थे। बावजूद इसके उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और पैरों के सहारे अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से पास करने के बाद बीटेक मैकेनिकल की पढ़ाई पूरी की। ये पैर से जितनी तेजी से लिखती हैं, उतनी ही तेजी से लैपटॉप भी चलाती हैं। अब मुंबई IIT से गेट क्वालिफाई कर मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस से एमटेक कर रही हैं। IIT में अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं। हौसले से विकलांगता को हराने वाली रानी IAS बनकर गरीब विकलांग बच्चों की मदद करना चाहती हैं। यूपी से दैनिक भास्कर .com की रिपोर्ट। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।